नमस्कार दोस्तों, नॉलेज गणित चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक एंटरप्रेनर हूँ। मैं आज 3 साल से अपने कंपनी को रन कर रहा हूँ, जो कि एक फ्लावर मिल है। इसलिए मैं सोचा कि अपने भाई जो भी फ्लावर मिल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ आइडिया दे दूँ अपना लाइफ एक्सपीरियंस का। कहने का मतलब कि मैं इस बिज़नेस को 3 साल से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप लोग जैसे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसी तरीक़ा से मैं आज से 4 साल पहले ऐसे ही आप लोग की तरह ही न्यू बिज़नेस आइडिया को सर्च करता था और उसको फॉलो करता था और उसको मैं उसके बारे में नॉलेज लेता था। ना भी तो मैंने 50 मोर देन ऐसे बिजनेस था, मोर देन 50 बिजनेस जिसको मैंने पर्सनली विजिट किया और उसके बारे में फुल कैसे स्टडी लिया। बट मेरे को एक बिजनेस पसंद आया जो कि स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग बिजनेस था, जो कि मैंने 1 साल के अंदर में उसमें बुरी तरीके से फेल हो गया। उस सारी चीज़ों को आप लोग साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं नया नया चैनल में आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग के दिनों में और जो भी फ्लावर मिल के साथ प्रॉब्लम होती है, कि जब भी आप न्यू सेटअप करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एक्स्ट्रा बातें बोल बोल के, जो कि नए नए लोगों को पता नहीं होता है, नए लोग वो लोगों को बहकावे में आके और अपना धंधा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। 1 लाख रुपया लगाइए, नेक्स्ट मंथ से 2 लाख रुपया कमाइए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। रियल लाइफ में आप उतरेंगे, आपको एक एंड ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाएगा। कहने के मतलब, इस फील्ड से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये अपना प्रॉब्लम और सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं फ्लावर मिल के बारे में ईच एंड एवरी थिंग्स अगर डिस्क्रिप्शन में दे दूँ और डिस्क्राइब करूँ अच्छे से टॉपिक वाइज, तो मुझे नहीं लगता है कि 5 घंटे में भी कम्प्लीट हो पाएगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक अपने प्रेजेंटेशन तैयार किया था जो कि थोड़ी सी बड़ी हो गई, जिसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों कहीं उसमें शेयर किया था, जिसकी वजह से वो यूट्यूब में अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं उससे भी और स्मार्ट एंड शॉर्टेस्ट वे में इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया हूँ। आप इसे बिल्कुल स्केप करके वीडियो को नहीं देखिएगा। ईच एंड एवरी थिंग्स आपको एक एक चीज़ को बारीकी से बताऊँगा मैं। सबसे पहले, जब आप फ्लावर मिल स्टार्ट करेंगे तो आपकी क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक प्लॉट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि मिनिमम 20x40 फीट की होनी चाहिए और वो भी रोड में होनी चाहिए। भले रोड वो 10 फीट का क्यों ना हो, लेकिन वो रोड में होनी चाहिए, क्योंकि और रोड लाइन वहाँ इजली, जो बिजली होती है वो इजली सप्लाई हो वहाँ पर, ताकि क्योंकि आप फ्लावर मिल सेट करेंगे तो आपको मिनिमम 3 फेज की रिक्वायरमेंट होगी और 3 फेज कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो एक सेट बनवाने के लिए 25x40 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी रूम को, और 3 फेज कनेक्शन आपको 100% उसमें लेना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपकी मशीन एग्जीक्यूट और रन नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है कि आपको सेट कैसे बनवाना है। दोस्तों, मैं वीडियो में अगर डिस्क्राइब में बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप किस तरीके से बनाएंगे ताकि आपका पैसा सेविंग हो और आगे चल के जो भी आपको पैसा इन्वेस्टमेंट से ये सब छोटे छोटे चीज़ों में, और जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, इसको कहने की मतलब स्टॉक इन्वेस्टमेंट, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप इमारत क्यों ना बनवा दें फ्लावर मिल के लिए और आप ऑटोमेटिक प्लांट ना लगाएं और फ्लावर मिल ही आपकी अच्छी ना हो, तो उस इमारत की कोई वैल्यू नहीं है बिजनेस फील्ड में। कहने का मतलब ये है कि आपको मैं मिनिमम खर्चे में आपको दिमाग दूंगा कि किस तरीके से और कौन से ढंग से बनाना है, ताकि आप कम पैसे में वो हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी पैसा बचेगा और जितना भी सेविंग रहेगी आपकी, मैक्सिमम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप 25x40 की सेट तैयार करेंगे फ्लावर मिल सेटअप करने के लिए, तो आपकी मैक्सिमम खर्चा आएंगी 1,30,000 से लेकर 1,50,000 के अंदर में हो जाएंगे। और अगर मैं बताऊंगा उस तरीके से चलेंगे आप, तो 80,000 के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ मैंने करके पिछली 4 सालों से अपने एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। कहने का मतलब, जो भी 4 साल की मेरी मेहनत है, ये सब आपको बच जाएगा अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे। प्लीज़ नाइट में ही कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व करूँ, और मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सेट तैयार होने के बाद 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा।
जिसके लिए अप्लाई करेंगे तो आप मिनिमम 15 से 1 महीना तक टाइम ले लेगा वो आपको कनेक्शन पास करने में, और कनेक्शन आपको लग जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑटोमेटिक फ्लावर मिल की ज़रूरत होगी, जो कि मैं आपको मैं प्रेफर करूँगा आपको, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हों या ज़्यादा से ज़्यादा चाह के सोच रहे हैं कि मैं 50 लाख या 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दूं, पर मेरी राय रहेगी अगर आप फ्लावर मिल बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आप सबसे छोटे, कहने की मतलब जो 200 केजी पर आवर्स फ्लावर मिल प्रोडक्शन दे रही है, वो फर्स्ट आप सेटअप कीजिए। उसके बाद ही आप अपने प्लांट को धीरे धीरे एज डिमांड एज रिक्वायर्ड आप उसको आगे बढ़ाइए। आप 200 केजी पर आवर्स वाली प्लांट अगर लगाएंगे तो प्लांट का कॉस्ट आएगा 4 लाख से 4.5 लाख रुपीस, जिसमें पूरी की पूरी सेटअप आपको आ जाएगी। अगर आप उससे भी कम इन्वेस्टमेंट करके 200 केजी पर आवर्स की प्लांट लगाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करेंगे तो आपको मैं आइडिया दूंगा कि क्या क्या लगाने से आपका प्लांट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको बजट भी हो जाएगा। मिनिमम 3.5 लाख रुपये तक 200 केजी पर आवर्स ऑटोमेटिक प्लांट मैं आपको आइडिया के थ्रू सेट करवा दूंगा, क्योंकि मेरा कोई प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है दोस्त कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको मैं आइडिया दूंगा जिसको बोला जाता है अपने देसी भाषा में जुगाड़ के थ्रू आपको मैं काम करवा दूंगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइसेंसिंग, कहने की मतलब जो भी फ्लावर मिल में आपको लाइसेंस लेना है वो कंपलसरी होता है, वो आपको लेना पड़ेगा। कहने का मतलब नंबर वन में फूड बिजनेस है, फ्लावर में एक फूड बिजनेस है, तो आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको आप अपने स्टेट से अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कीजिएगा। फसाई लाइसेंस भी 3 तरीके के होते हैं, अगर मैं सारे के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, फिर मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। करने की मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप मेरे कॉल से कंटेक्ट कीजिएगा, अगर फसाई लाइसेंस में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा और अप्लाई भी करवा दूँगा, इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद आप जो भी बिजनेस के लिए फसाई लाइसेंस लेंगे आप फ्लावर मिल के लिए, वो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। उसमें 3 टाइप की होती है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस, तो उसमें स्टेट लेवल की लाइसेंस आपको लेनी पड़ेगी लाइसेंसिंग। उसके बाद ट्रेडमार्क्स, जीएसटी, अगर फिलहाल आप ट्रेडमार्क्स और जीएसटी ना भी ले रहे हैं तो भी आपका बिजनेस रन करेगा, क्योंकि जो भी आप पाउच पे या बैग पे प्रिंट करवाएंगे उस पे फसाई लाइसेंस नंबर कंपलसरी होता है आटे के लिए, तो आपको नंबर चाहिए। थर्ड चीज़ में आपको बैक प्रिंटिंग चाहिए, बैक प्रिंटिंग हाई क्वालिटी वाला चाहिए, रोटर फ्लेक्स वाला, फ्लेक्स प्रिंटिंग। कई लोग होते हैं कि 5 रुपये वाले 7 रुपये वाले बैग जो प्लेन वाली होती हैं, वाइट पे प्लेन मार्कर प्रिंटिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे दुकानदार के या शॉपकीपर के पास 1 महीने से ज़्यादा आटा रहते हैं तो क्या होने लगते हैं, लाइसेंस लेने के बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बैक प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, जो कि फ्लेक्स प्रिंटिंग होगी, और वो मिनिमम आपको फर्स्ट टाइम 3000 पीस बैग की प्रिंटिंग होगी, और जिसकी प्राइस आपको 70,000 रुपये पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद आपकी प्राइस इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको सिलेंडर बनवाने में 25 से 30 हज़ार की आपकी कंपनी की वो खर्चा आ जाएगी। उसके बाद एक मार्केट से, नियर बाई मार्केट से आप सेकेंड हैंड प्याजू का 3 व्हीलर्स गाड़ी लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट गाड़ी, जो कि आप माल इजिली अपने यूनिट से लेकर और नियर बाई होलसेलर और शॉपकीपर के पास माल डिलीवरी दे पाए। इस सारी चीज़ खर्च लेकर ना मैं दोस्त अगर बात करूँ आपसे तो 7,50,000 की खर्चे आएंगी आपको। और अगर नियर बाई कोई भी फ्लावर मिल या मेरे से आइडिया या जो भी इसके बारे में जानकारी ना हो बिना लिए हुए अगर आप करते हैं तो जो भी मैं 7,50,000 के बोला हूँ बात, ये सब आपको खर्चे पड़ जाएंगे 14 लाख रुपया, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसके पास लाइव एक्सपीरियंस मेरे पास है, इस प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को मैं समझ सकता हूँ कि बिना जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं था तो कितना प्रॉब्लम होता था दोस्त। दोस्तों बीच में 10-15 सेकेंड की वीडियो पॉज हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा और कंटिन्यू करूंगा। आपको मार्केट मैनेजर की ज़रूरत होगी, जो भी उसको नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप मेरे से राय ले सकते हैं इस विषय पे, आटे की मार्केटिंग कहाँ कहाँ की जाती है, इस सारी चीज़ की ईच एंड एवरी थिंग्स मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगा।
और हो सके तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लमें आएगी आपको मार्केटिंग के साथ। जब आप मार्केट स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लमें आती है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, घबराना नहीं है, किस किस पॉइंट है आपकी और सुविधाएँ आएंगी, इस सारी चीज़ को मैं ईच एंड एवरी थिंग्स आप लोगों को ब्रीफिंग दे दूँगा। तो कहने का मतलब, जो भी दोस्त मेरे चाह रहे हैं कि वो फ्लावर मिल सेटअप करना चाहें, वो अच्छे से जानकारी इस विषय में लेकर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। इनकम अच्छी है, बस इसमें आपको कांस्टेंट वर्क करना है और दिमाग से वर्क करना है, ना कि मेरे जैसे। मैंने आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, यूट्यूब देखकर लोगों का बहकावे में पढ़ के काफ़ी सारा मैंने पैसे बर्बाद किया, लेकिन उस बिजनेस को मैंने आज चेंज किया हूँ और 3 साल से अपने प्रगति की ओर आगे कंटिन्यू बढ़ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस आप कीजिए, लेकिन बिना नॉलेज का और बिना, जब तक कोई गाइड ना करे, जब तक बहुत सारे हमारे भाई जो भी यूट्यूबर हैं उन लोगों को चक्कर में पड़ के कोई भी ऐसा स्टेप ना ले, ताकि आपके पास जो भी पूंजी है वो भी वेस्ट हो जाए और कोई आगे आपको सर्विस भी प्रोवाइड ना हो पाए। सो आप अच्छे से कोई भी बिजनेस करे, उसको ज्ञान ले। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्लावर मिल के बारे में इसमें फ़ोटोज़ इस वीडियो में फ़ोटोज़ डाला हूँ, आप लोग एक एक चीज़ के बारे में सारे चीज़ देख सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं। नहीं तो कॉल पे मेरे से मिलिए, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू। लास्ट में कहूंगा दोस्त, मेरे इस नए चैनल को आप लोग अपनी राय विचार कमेंट और लाइक सब